स्टार्टिंग लीड एक्ट्रेस मूलियो से होता है जो बड़े डिप्रेशन में दिखाई देती है। मूलियो मूचिन और अपने डैड के बीच सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना चाहती है क्योंकि उसके फादर के डेथ के बाद वो मू फैमिली की कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया। तो वो उसके बारे में सोचते हुए कहती है कि मोचेन तुम मुझसे भाग नहीं सकते। दूसरी तरफ मोचेन से उसका असिस्टेंट कह रहा होता है कि आपकी फियांसे आपसे मिलने के लिए इंसिस्ट कर रही है। मोचेन कहता है कि मैं नहीं मिलना चाहता, तुम कार ड्राइव करो। मूलियो अपने कार में बैठी होती है कि तभी उसके सामने से मोचेन की कार गुजरती है। तो वो उसे देख कर फॉलो करते हुए कहती है कि मुझे अपना स्टेक वापस लेना होगा। ये कहते ही फुल स्पीड में कार चलाकर उसके सामने अपनी कार रोकती है और खुद को कूल डाउन करके उसके पास जा रही होती है। जिस कार को वो फॉलो कर रही थी उसी कार से मेल लीड मोचेन निकल कर व्हील चेयर में बैठता है। असिस्टेंट उसके पास जाकर कहता है कि मिस मू क्या मसला है तुम्हें। मूलियो उसे धक्का देकर मोचेन के पास जा रही होती है। मोचेन उसे देखकर पास्ट को याद करता है जहां मूलियो उससे कहती है कि मैं नहीं जानती तुम्हारे और मेरे डैड के बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सब सोचने के बाद वो मूलियो से कहता है कि तुम वापस आ गई, क्या तुम्हें डिवोर्स पेपर नहीं दिए गए। मूलियो उसे डिवोर्स पेपर दिखाते हुए कहती है कि क्या ये तुमने भेजा, क्या मतलब है इसका। ये कहते ही उसके सामने पेपर फाड़ कर हवा में उड़ा देती है और उसके क्लोज जाकर कहती है कि मेरी डिक्शनरी में डिवोर्स का कोई वर्ड ही नहीं, सो डियर हबी नई जिंदगी फिर से शुरू करते हैं। ये कहते ही वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मूलियो को मूचिन के घर दिखाया जाता है। वहाँ कोई नहीं होता तो वो डॉक्यूमेंट ढूंढने लग जाती है और कहती है कि उसने सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहाँ छुपाया होगा, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं ढूंढ सकती। ये कहते ही वो हर जगह ढूंढने लग जाती है कि तभी मूचिन अपने असिस्टेंट के साथ आता है। उसे वहाँ देख कर असिस्टेंट पूछता है कि मिस मू इस बारे में अब तुम क्या कहोगी, ये तुम्हारा अपना घर नहीं है। मूलियो अपने हबी से कहती है कि क्या मैं कोई गैर हूँ। मोचेन कहता है कि हमारा रिलेशनशिप पहले ही खत्म हो गया है, पर मूलियो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जाने बिना रिलेशनशिप इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसे इमोशनल होते हुए कहती है कि उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद से वो अपनी फैमिली में अकेली रह गई है जो अब सिर्फ उस पर ही ट्रस्ट करती है। मोचेन कहता है कि क्या ये काफी नहीं है। मूलियो प्लान ए को फॉलो करते हुए भीगी बिल्ली बनकर उससे कहती है कि कार एक्सीडेंट के बाद से मेरी हेल्थ कभी ठीक नहीं रही, अब जबकि तुम मेरे फियांसे हो तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। मोचेन उसके चाल में नहीं फंसता और कहता है कि मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच सब खत्म हो चुका है। मूलियो का इमोशनल होना काम नहीं आया तो वो गुस्से में मोचेन से कहती है कि क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और है, कौन है वो। मोचेन कहता है कि तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। प्लान ए से काम नहीं बना तो प्लान बी को फॉलो करते हुए मूलियो बेहोश होने का नाटक करके मोचेन के ऊपर गिर जाती है। मोचेन उसे संभाल लेता है और परेशान होकर असिस्टेंट को इशारा करता है। असिस्टेंट उसके सामने आता है और कहता है कि मिस मू क्या हुआ है तुम्हें। मूचेन कहता है कि बेहोश लड़की से क्या पूछ रहे हो, पकड़ो इसे। असिस्टेंट पूछता है कि मैं इसे कहाँ ले जाऊँ। अरे हाँ, मैं इसे आपके रूम में ले जाता हूँ। मूचेन कहता है कि गेस्ट रूम में पागल। असिस्टेंट उसे पकड़ कर ले जाता है। मूचेन असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुमने नोट किया मूलियो चेंज हो गई है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। ये सुनते ही मोचेन पास्ट में चला जाता है जहां मूलियो कह रही होती है कि गंदी नाली के कीड़े जल्दी इस पर साइन करो। ये सब याद करके मोचेन सोच में पड़ जाता है कि पहले तो मूलियो डिवोर्स लेने के लिए मरी जा रही थी, पर अब ये डिवोर्स नहीं लेना चाहती। आखिर ये लड़की चाहती क्या है। मूलियो कमरे में बेहोश होने का
का नाटक करती है। देखती है कि अब वहाँ कोई नहीं है तो वो उठ जाती है और खुद से कहती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कहाँ छुपाया होगा। तो वो ढूंढने के लिए कमरे से बाहर आती है और छुपके से मो चेन की बातें सुन रही होती है। मो चेन असिस्टेंट से एक्विजिशन प्लान के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है कि मो फैमिली के कार एक्सीडेंट के बाद से पब्लिक ओपिनियन हमारे लिए अच्छा है, पर कोई है जो हमारे ओपोनेंट है और मो फैमिली के शेयर्स खरीदना चाहता है। मो चेन पूछता है कि शेयर एग्रीमेंट के बारे में पता चला। असिस्टेंट बताता है कि वो उसने उसके रूम में रख दिया है। तभी मो चेन को फील होता है कि कोई बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा है, तो वो असिस्टेंट को चुप होने का इशारा करता है और फिर किसी और टॉपिक में बात करने लगता है ताकि असिस्टेंट जाकर देख पाए कि वो कौन है जो छुपके से उनकी बातें सुन रहा है। तभी वो अचानक से दरवाज़ा खोलता है पर वहाँ कोई नहीं होता। मो लियो को शेयर एग्रीमेंट के बारे में पता चल गया कि वो डॉक्यूमेंट मो चेन के रूम में है, तो वो मो चेन के सोने के बाद छुपके से उसके रूम में आती है और उसके सामने डॉक्यूमेंट्स देकर स्लोली उसे जगाए बिना डॉक्यूमेंट उठाकर पढ़ी होती है कि मो चेन जाग जाता है और उसका नाम पुकारता है। मो लियो उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्यूमेंट छुपा देती है और कहती है कि सरप्राइज। मो चेन कहता है कि मेरे पास मत आओ। मो कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुम सुबह क्या खाना पसंद करोगे। मो चेन समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रही है, तो वो कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, ज़रा दिखाओ मुझे। ये कहते ही वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और यहीं पर एपिसोड 1 एंड होता है। ये ड्रामा आगे जाके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।